सो ये है ओरिमो का 20,000 एमएच का पावर बैंक एंड इसको मैं पिछले एक मंथ से यूज कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस पावर बैंक के साथ एंड इसमें सिर्फ एक डिसएडवांटेज आती है जो कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो चलिए क्विक अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं बॉक्स की बात करूं, बॉक्स पे आपको सबसे पहले की हाइलाइट्स लिखे हैं लाइक ड्यूअल यूएसबी पोर्ट, 2.1 एम्पीयर फास्ट चार्जिंग, एसओएस लाइटिंग अलार्म वगैरह। एंड यहाँ पे आपको एक साल की वारंटी जो इसमें मिलती है वो भी मेंशन है 365 डेज। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको कौन सी बैटरी यूज हुई है, लिथियम बैटरी, एंड कैपेसिटी क्या है 20,000 एमएच वो लिखा है। एंड इसके अलावा जो पोर्ट्स मिलते हैं वो लिखे हैं। एंड अगर मैं बॉक्स के अंदर की बात करूँ, वहाँ पे आपको सबसे पहले टाइप ए टू माइक्रो यूएसबी केबल मिलती है, एक यूजर मैनुअल कार्ड मिलता है एंड एक पावर बैंक मिलता है। सो ये थी अनबॉक्सिंग। अब हम पावर बैंक के बिल्ड एंड पोर्ट से स्टार्ट करते हैं। सो जो पावर बैंक है पूरा प्लास्टिक का बना है, हार्ड प्लास्टिक का, बट जो क्वालिटी है ओवरऑल वो अच्छी है, सॉलिड फील होता है। एंड जहां तक पोर्ट्स की बात है, इसमें आपको दो इनपुट पोर्ट्स मिलते हैं, माइक्रो यूएसबी एंड टाइप सी पोर्ट, जिससे आप अपने पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो मैक्सिमम 10 वॉट से। एंड जहां तक आउटपुट पोर्ट्स की बात है, वो भी आपको दो मिलते हैं, यूएसबी टाइप ए पोर्ट, जिससे आप अपने डिवाइस को चार्ज कर सकते हो मैक्सिमम 10.5 वॉट पे। इसके अलावा आपको इसमें एलईडी टॉर्च भी मिलती है, जिसको ऑन करने के लिए पावर बटन को दो बार क्लिक करना है एंड फिर से दो बार क्लिक करके एसओएस लाइटिंग मोड में चला जाएगा, ब्लिंकिंग मोड में, एंड ऑफ करने के लिए फिर से पावर बटन को दो बार क्लिक करना है एंड पावर बैंक को ऑन करने के लिए आपको पावर बटन को एक बार क्लिक करना है। एंड इसके अलावा आपको इसमें लो करंट पावर मोड भी मिलता है, जिसको एक्टिवेट करने के लिए आपको पावर बटन को 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है एंड फिर आप अपने आईओटी डिवाइसेस लाइक स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हो। एंड इसको ऑफ करने के लिए आपको पावर बटन को एक बार क्लिक करना है। सो जहां तक बिल्ट पोर्ट्स एंड फंक्शनैलिटी की बात है, सब कुछ आपको बढ़िया मिलता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। सो अब बात करते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की। सो जहां तक पावर बैंक को चार्ज करने की बात है, वहां पे मैं ये बोलूंगा इसको आराम से 9 से 10 घंटे लगते हैं फुल चार्ज होने में, जो कि एक्सपेक्टेड है ड्यू टू 10 वॉट चार्जिंग। एंड जहां तक डिवाइसेस को चार्ज करने की बात है, ये आराम से 3 बार फुल चार्ज कर देता है एक 5000 एमएच बैटरी को, जो कि मैंने देखा। एंड जहां तक चार्जिंग टाइम की बात है, उसमें मैं ये बोलूंगा इसको अराउंड एक 5000 एमएच बैटरी को चार्ज करने में अराउंड 2.5 घंटे लगते हैं। सो चार्जिंग स्पीड तो स्लोअर साइड है, बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस कोई कंप्लेन कर भी नहीं सकते। सो यहां पे मैं ये बोलूंगा अराउंड ये 3 बार आपके 5000 एमएच बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। एंड इससे मैंने ईयरबड्स एंड स्मार्ट वॉच को भी चार्ज किया है, वो भी अराउंड 3-4 बार। सो यहां पे मैं ये बोलूंगा अराउंड 17,000 की रेटेड कैपेसिटी आपको इससे मिलेगी, जो कि एक्सीलेंट है। सो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, तो मैं यहां पे ये बोलूंगा जो इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं लाइक टॉर्च मिलती है, लो करंट पावर मोड भी इसमें आपको मिलता है, जो पोर्ट्स मिलते हैं एज वेल एज बैटरी बैकअप, सब कुछ आपको इसमें बढ़िया मिलता है। सिर्फ एक डाउन साइड है जो इसमें आपको चार्जिंग स्पीड मिलती है, चाहे पावर बैंक को चार्ज करने की बात हो चाहे डिवाइस को चार्ज करने की बात हो, वहां पे इसमें जो स्पीड है वो स्लोअर साइड है, तो उसमें आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। सो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर आप इस स्पीड से कंप्रोमाइज कर सकते हैं, अगर आपको उतनी जरूरत नहीं है फास्ट चार्जिंग स्पीड, तो आप इसको खरीद सकते हैं। अगर मैं अपना बोलूं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं इस प्रोडक्ट से, क्योंकि मुझे उतनी चार्जिंग स्पीड की जरूरत नहीं है, तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूं। ठीक है, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी। दिस इज सलमान, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।